अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप उम्मीद है खैरियत से होंगे खुश पाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक और नए ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद ये ब्लॉग मैंने फ्राइडे के दिन शूट किया था दिन के टाइम का है ये तकरीबन आप समझ लें 12 से 1 बजे का टाइम हो रहा है मैं बना रही थी वेजिटेबल पुलाव तो सोचा कि इसकी ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और जो आज की रूटीन है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी सी डिफरेंट रूटीन है रोज़ से हट कर क्योंकि आज जो है ना कराची भी जाना था हम लोगों को वलीमे में तो उसके थोड़े से छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए वो शेयर करूँगी आपके साथ अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने सारी सब्ज़ियाँ काट के रख ली हैं जिसमें प्याज तकरीबन तीन से चार प्याज मैंने दरमियाने काट लिए थे एक बड़ा सा गाजर काट लिया है चकोर पीसेस में चार से पाँच टेबल स्पून के करीब मटर ले लिए थे हाफ कैबेज रखा हुआ था मेरे पास वो मैंने काट लिया एक बड़ा सा शिमला मिर्च रखा हुआ था वो काट लिया है और चावल मैं ले लूँगी तकरीबन हाफ केजी के जी के करीब तो इतनी सब्जियाँ इतने चावलों के लिए इनफ हो जाती हैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया पैन में और उसमें सारे गर्म मसाले डाल दिए जैसे कि काली मिर्च हो गई लोंगे हो गई तीन से चार लोंगे डाल दी थी तीन से चार काली मिर्चें डाल दी थी एक बड़ा पत्ता जो है दालचीनी का डाल दिया था साथ में मैंने इसमें डाल दिया था आ, काली इलायची सफ़ेद इलायची सारी चीज़ें गर्म मसाले की डाल के फिर इसमें प्याज शामिल कर दी प्याज को जो है ना मैं आ, थोड़ा सा सौते कर लूँगी फ्राई नहीं करना है ब्राउन नहीं करना है इसको प्याज को अच्छा मैं आपको बताऊं कि प्याज में ब्राउन नहीं करती हूँ जितने भी मैंने सारे आपको पुलाव की रेसिपीज़ दी हुई हैं ना उसमें मैं प्याज को जो है ना पूरी तौर पे ब्राउन नहीं करती उसकी वजह यह है कि अगर बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन कर लेते हैं ना तो जो पुलाव का मेन असल कलर होता है ना जो ओरिजिनल कलर होता है पुलाव का वो बर्बाद हो जाता है एकदम रेड वाला कलर आ जाता है या डार्क ब्राउन वाला कलर आ जाता है और पुलाव के अंदर ना वो वाला कलर अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा लाइट लाइट सा पुलाव जो है ना कलर में अच्छा लगता है तो बस मैंने जो प्याज़ मुझे फ़्राई नहीं करने थे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने थे वो निकाल लिए हैं और जो ऊपर से डालने वाला प्याज है ना उसको मैं अच्छी तरह से ब्राउन करके फिर निकाल लूँगी और फिर जो साइड में रखी हुई है सारी सब्जियों के साथ जो मैंने प्याज़ कच्चा पक्का फ्राई करके रखा है उसको बाद में डालूंगी अभी फ़िलहाल मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब उसको थोड़ा सा सो सोते करूँगी थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू आलू के साथ वो जो प्याज निकाल के रखा था जो कम फ्राई किया हुआ है वो डाल दूँगी और प्याज के साथ ना तेल भी आ गया था तो वो भी सारा मैंने इसके अंदर दोबारा से डाल दिया है आलू आपको अपनी फैमिली के हिसाब से जितने रिक्वायर हो आप उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी फैमिली में आलू जो है ना बहुत शौक़ से खाया जाता है तो मैंने आलू अच्छे खासे डाले हैं इसके अंदर यानी एक आलू के मैंने तीन पीस किए थे तो मैंने चार आलू के तकरीबन आप समझ लें बारह पीसेस किए हैं और इतने हमारे लिए इनफ हो जाते हैं फिर इसके बाद टमाटर काट के डालने थे तो मैंने टमाटर जो है ना इतना स्पीड uh, में काटें क्योंकि टमाटर फ़ौरन डालने होते हैं अगर ज़्यादा देर कर देते हैं ना तो फिर आलूओं के साथ जो प्याज फ्राई हो रहा है तो फिर वो ब्राउन कलर हो जाएगा उसका इसलिए जल्दी जल्दी से टमाटर डाले फिर मैंने इसमें डाल दिया एक टीस्पून के करीब ज़ीरा एक टीस्पून स्पून जैफल जवित्री का पाउडर डाला है और इसमें बहुत सारे कोई मसाले नहीं जाएंगे बस कुछ मसाले जाएंगे और उनकी खुशबू से ही ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा साथ में जाएंगी कुछ हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर पीस के रखी हुई थी ब्लैंडर में ब्लैंड करके रखी हुई थी तकरीबन दस से बारह हरी मिर्चें थी तीखी वाली और अभी वैसे ही पतली पतली बारीक बारीक सी हरी मिर्चें आ रही हैं ना तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही ले ली हैं तो और इसमें मैंने डाल दिया था एक टीस्पून के करीब इमली दो से तीन चार दाने काफ़ी हो जाते हैं इमली के वो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ढक के छोड़ दिया पकने के लिए अब करती हूँ मैं शाम की तैयारी क्योंकि शाम को हमें जाना था टाइम दिया हुआ था हमें उसी टाइम पर पहुँचना था तो फ़िलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ सारे कपड़े मुझे इसी करने थे कुछ भी तैयारी हुई भी नहीं थी क्योंकि हम लोग जो है ना एक हफ़्ता जो हमने शादियों में बहुत एंजॉय किया ना बहुत थक गए थे आज के दिन की कोई तैयारी करके नहीं रखी हुई थी आप समझ लें हमारा रेस्ट ही खत्म नहीं हो रहा था अभी जैनब के लिए जो है ना ये मैंने निकाला है वाइट वाला फ्रॉक जैनब वाइट पहनेगी मैं ब्लैक पहन लूँगी और फिर जो है ना सारे कपड़े हस्बैंड के बच्चों के सब के कपड़े मैंने यहाँ इस्त्री करके इस बेड पर बिछा दिए और इस बेड को जो है ना एक लॉन्ड्री बना दिया है क्योंकि इस तरह के फैंसी कपड़े जो होते हैं ना वो आराम से आप बेड के ऊपर क्योंकि स्पेस बड़ा होता है आराम से बेड पर बिछा और आराम से इस्तरी कर सकते हैं एक साथ सारा कपड़ा इस्ते हो जाता है तो बस सारे कपड़े मेरे इस्त्री हो गए थे और सारे कपड़ों को मैंने अच्छी तरह से हैंगर कर किसी को हैंगर किया है किसी को इसी तरह से बिछा के सबके कपड़े तैयार कर करके रख दिए ताकि जब सब अपने अपने जिनको कपड़े चाहे होंगे वो अपने कपड़े आके यहाँ से उठा लेगा खैर मेरी जो है ना मैंने यहाँ पे आलू भूनने के लिए छोड़े हुए थे धक्के वो हो गए थे और फिर इसके बाद मैंने सब्जियां शामिल की हैं सब्जियां बिल्कुल एंड में डाली हैं ताकि सब्जियां बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाएं इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना अगर बहुत ज़्यादा कुक करेंगे ना तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा तकरीबन क्वार्टर कप के करीब पानी डाल के इन सब्जियों को इस मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भूनूंगी तकरीबन आप समझ लें तीन से चार मिनटों के लिए इससे ज़्यादा नहीं तकरीबन तीन से चार मिनटों के बाद इसकी ये कंडीशन थी थोड़ा सा जो सब्जियों का कड़कपन था ना वो कम हुआ इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी डाला है दो कप के करीब आप चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे जितना आपके चावल होंगे उसके हिसाब से आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टीस्पून के करीब डाला है चिकन पाउडर ये चिकन पाउडर डाशी का है अभी मैंने इसको कंटेनर में फ़िल नहीं किया क्योंकि मुझे कंटेनरों की सफ़ाई करनी है तो मैंने सोचा कि अभी इसको इसमें ही रहने देती हूँ जब फिल आ, फिलिंग का टाइम आएगा धुलने के बाद ही आएगा तो खैर चावल पानी उबलने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं अच्छा आप लोग अगर चाइनीज़ सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं ना तो आप लोगों के लिए एक टिप है चाइनीज़ सॉल्ट की जगह पर आप ये चिकन पाउडर इस्तेमाल करके देखें ये फ़ायदेमंद तो नहीं है लेकिन नुकसानदेह भी नहीं है क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट का सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान देता है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता तो जो चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती उसको इस्तेमाल भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो बस मैं अभी इसमें नमक डालने के लिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया कि पानी डालने के बाद जब हम चावल डालते हैं ना तो थोड़ा सा नमक में कमी आ जाती है तो उस वक्त जो है ना मैं पानी टेस्ट करके फिर इसमें नमक डाल देती हूँ तो नमक सेट रहता है फिर इसको मैंने तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था जब पानी खुश्क हो गया चावल सोख हो गया अच्छी तरह से पानी जो है वो चावलों के अंदर सोख हो गया था तो फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है ये ब्राउन प्याज जो मैंने निकाल के रखा था ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दिया है थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने जो है ना जायफल जवतरी का पाउडर भी छिड़क दिया था उसकी वीडियो मुझसे स्लिप हो गई है बस ये मेरा जो पुलाव है वेजिटेबल का वो रेडी है और अब इसको मैं ढक के दम पे लगा दूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक ये था इसका फ़ाइनल लुक और उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और इन ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत मज़े की बनी थी और बहुत इजी भी है कम टाइम में बन जाती है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता खैर ब्लैक सूट के साथ जो है ना मैंने रेड कलर का अपना ये निकाल लिया है पर्स और पिंक भी था मेरे पास लेकिन मैंने सोचा कि रेड के साथ कंट्रास्ट जो है ना ब्लैक का अच्छा लगता है तो मैंने आज ये वाला निकाला है अपना वैसे शादी में जब मैंने ये अपने साथ कैरी किया था तो ये अलग से ही दिख रहा था बस सारे रेडी होकर निकल गए थे बस में बैठने के लिए बस में बैठे और आपको पता है मेकअप तो मेरा जो है ना बस में ही होना होता है तो मेकअप मैंने बस में कर लिया था लेकिन आज जो है ना मेरा ये स्ट्रॉलर मुझे इतना परेशान कर रहा था बिल्कुल भी इसकी सेटिंग ही नहीं आ रही थी बड़ी मुश्किल से इसकी सेटिंग आई जैनब को भी मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह निकाल के दी बस में सब हम लोगों ने जो है ना मेकअप तो हमें बस में ही करना होता है क्योंकि घर से इतना स्पीड में जल्दी में निकलते हैं अगर मेकअप करने लग जाएंगे तो आधा पौना घंटा हमारी वजह से लेट हो जाना था तो बस ये देखें यहाँ पे ये स्टॉलर ने मुझे इतना परेशान किया था क्योंकि ये सिल्क का था और सिल्क के स्टॉलर को कैरी करना या इसको बांध के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके ऊपर मैंने इतनी सारी पिंस लगाई थी इतनी सारी पिंस लगाई थी तब कहीं जा कर ये एक जगह पे टिका हुआ था खैर हॉल में जो है ना बच्चों ने ख़ूब इंजॉय किया हमने भी ख़ूब इंजॉय किया अब मिलवाती हूँ एक बच्चे से इसका बर्थडे था और उसी दिन बारह बजे सबने इसको विश किया फिर इसके बाद अब हम इसको गिफ्ट दे देते हैं यानी इसकी मम्मा का एक स्टोर है ऑनलाइन स्टोर उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ से ले लीजिएगा बहुत ज़बरदस्त इनके पास आइटम्स होते हैं आपको हर चीज़ बेड शीट्स आपको कपड़े आपको पर्सेज आपको सैंडल्स आपको जो घर के असेसरीज होती हैं किचन की एसेसरीज होती हैं ये सारी चीज़ें आपको आराम से ऑनलाइन घर पर बैठे मिल जाएंगी यहाँ पर कुछ तस्वीरें मैंने शो की हैं आपके साथ वो देख लीजिएगा ये जो है ना ये गिफ्ट आइटम्स और कॉस्मेटिक के आइटम्स जो भी आप लोगों को घर की नीड के लिए या किसी को देने के लिए किसी चीज़ की भी नीड होती है ना वो सब इनके पास मौजूद होता है और अच्छी क्वालिटी में होता है सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइसेस जो है ना वो रीज़नेबल होते हैं तो अगर प्राइस रीज़नेबल हो अच्छी चीज़ हो और घर बैठे मिल जाए तो फिर तो और क्या चाहिए अच्छा अबयास का जिक्र करना भूल गए मेरे पास जो है ना इनकी एक वीडियो भी आई थी ये वाली जिसमें ये अबयास शो करवा रही हैं तो ये भी बहुत मुझे अच्छे लगे थे ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और ड्रेसेस वगैरह जो हैं वो इस तरह के भी होते हैं जो आपको भी सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ना इस तरह के ड्रेसेस भी होते हैं इनके पास तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा वहाँ से लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इनके जो ग्रुप है ना उसमें पहुँच जाएंगे खैर आज के इस फंक्शन में मैंने और मेरे हस्बैंड ने ट्यूनिंग की थी मैंने भी ब्लैक पहना था हस्बैंड ने भी ब्लैक वेयर किया था बहुत इनके ऊपर ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है लड़कियों पे तो वैसे अच्छा लगता ही है लेडीज़ पे अच्छा लगता है जेंट्स पर भी आ, कुछ कुछ ऐसे जेंट्स होते हैं इनके ऊपर अच्छा लगता है खैर ये जैनब का लुक था और इसका लुक आप लोगों ने देख लिया जैनब का तो, दू, आजकल हर बच्चे को घर घर में हर बच्चे बच्चे को ये मोए मोए की बीमारी लगी हुई है मेरे घर में भी ये वायरस फैला हुआ वा है हम लोग आ गए थे रात को देर से आए थे कराची से सुबह में जो है ना हम लोगों ने नाश्ता किया नाश्ता करने के बाद जाना था हमें छत पर कीनू पार्टी के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड का मानना ये है कि मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन मेरे हस्बैंड का मानना ये है कि किन्नू जो है ना आपको दोपहर में खाना चाहिए और सूरज की रोशनी में बैठ कर खाना चाहिए तो उससे आपको नजला नहीं होता खांसी नहीं होती मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना छत पर बैठ कर किनू खाते हैं अक्सर करके हर दफ़ा नहीं कभी कभी तो बस ये लेकर आ गए थे छत पर अनार आया हुआ था वो ले लिया था तो अब बस यहाँ पे बैठ कर किनू पार्टी करेंगे बच्चों को थोड़ा सा चिल करवाएंगे क्योंकि आज जो है ना छुट्टी का दिन होता है ना हफ्ते के दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो बच्चे भी थोड़ा सा चिल करते हैं वैसे थके हुए हैं सफ़र करके और शादियाँ निपटा के तो थोड़े से थक गए थे थोड़ा चिल करेंगे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे हम ये भी हमारे साथ आए हैं कैट वॉक करती है हर इस मुर्गी की नकल कर रहा है और यहाँ पे जो है ना वायरस फैला हुआ है हमारे यहाँ पे मोए मोए का अभी मेरे घर में भी फैल जाएगा थोड़ी देर के अंदर अंदर अनार लेकर आए थे ना तो उसमें जो अनार निकला था ना वो बंद था खुला हुआ अनार लेते हैं ना तो सामने से नज़र आ रहे होते हैं दाने तो उसमें मसला नहीं होता लेकिन जो अनार हम लेकर आए थे ना तो वो बंद था और उसके अंदर क्या होता है हमें नहीं पता होता जब खुलता है तब पता चलता है कि अंदर से क्या निकलेगा जब हमने इसको खोला ना तो वैसे खोलने का तरीका बहुत इजी है आपने देखा होगा बहुत दफ़ा लेकिन ये जो है ना मेन असल तरीका है इसका ऊपर से इसका जो हैट है वो उतार के और फिर इसके जो जहाँ जहाँ लाइंस बनी होती हैं क्रीज पर आपको छुरी लगा देनी होती है फिर आप जब इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये ख़ुद ही खुल जाता है इसको ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको जब खोला ना तो खोलने के साथ ही मुझे हैरान हो गई क्योंकि अंदर से बिल्कुल खुश्क था अनार इसको खून की कमी हो रही थी मोए मोए हो, हो गया मोए मोए हो गया हमारे मौए साथ सूखा वानर निकला <laughs> है सूखा वानर मोए मोए अरे यार सूखा वानर मोए मोए <laughs> तो व्यूवर्स ये थी वायरस वाली वीडियो दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़